दोस्तों, प्रोजेक्ट NAV14 में आपका स्वागत है। आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे जमीन में दफन प्राचीन समय के खजानों के रहस्यों के बारे में, जो कई दफा आम लोगों की नजर में आए पर किसी के भी हाथ नहीं लगे। कई बार भारत सरकार द्वारा इन खजानों को निकलवाने की कोशिश की गई, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल सका। इन खजानों के पीछे बहुत से रहस्य छुपे हैं। उन्हीं रहस्यों को बताने आज हम ये वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये खजाने जीवित हो जाते हैं, कैसे ये चलायमान हो जाते हैं, जैसे इन्हें कोई अदृश्य शक्ति कंट्रोल कर रही है, और ये खजाना उन्हीं के हाथ लगता है जिसे ये खुद अपना स्वामी चुनते हैं। ऐसा बहुत ही कम सुनने और देखने को मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए हम ऐसे रोचक वीडियो लाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये रोचक वीडियो। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने आए हैं वो सत्य और प्रत्यक्ष अनुभव की घटना पर आधारित है। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ऐसे खजानों के बारे में सुना होगा जिसमें लोगों ने अनुभव साझा किए हैं कि कई बार उन्हें रात में सिक्कों और जवाहरातों के खजाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कई अजीब से खजानों से भरे हुए घड़ों के बारे में जो जमीन के नीचे चलती है, और आवाज़ें जैसे कि वो खजाना उन्हें अपनी तरफ बुला रहा हो। ऐसी ही एक सत्य घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की गांव की, जहां गांव के कुछ लोगों को जमीन के नीचे खजाना दिखा और उसके साथ कई सारे अजीबोगरीब अनुभव उन लोगों को हुए। हमारी टीम को इस घटना के बारे में पता चला तब हम सब ने वहां जाने का निर्णय लिया। फिर उन सभी लोगों से काफी समय तक चर्चा और पूछताछ के बाद हमें कई सारी बातों का पता चला। उसके बाद हम इस घटना के तह तक गए और हम लोगों को यह जानकारी प्राप्त हुई कि असल में 100-125 साल पहले उस गांव में एक भयंकर बाढ़ के आने से एक नाग नागिन का जोड़ा कहीं दूर से बहकर उस गांव में आ गया। उसके बाद 90 सालों तक नाग नागिन के जोड़े ने उसी गांव में अपना जीवन व्यतीत किया। वो गांव की जमीन के नीचे किसी खजाने की रक्षा करते थे, और एक दिन जब गांव वालों ने गलती और डर से नाग को मार दिया तब वहाँ पे मौजूद एक व्यक्ति को नागिन ने परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनके घर वालों को और रिश्तेदारों को परेशान होने के कारण नागिन से क्षमा मांगनी पड़ी, जिसके बाद नागिन ने दया दिखाते हुए उन लोगों को माफ तो कर दिया और फलस्वरूप खजाने की 2 घड़े भी दिए और बताया कि सही समय आने पर इसे खोलना और आपस में बराबर बराबर बांट लेना। लेकिन लालच के चलते उन लोगों से रुका नहीं गया और उन घड़ों को खोलने के लिए जो मंत्र से बंधे हुए थे उन लोगों ने एक तांत्रिक का सहारा लिया। नागिन के दिए निर्देश को न मानने के कारण वो खजाना राख में तब्दील हो गया और असली खजाना वापस नागिन के कब्जे में चला गया। ऐसा माना जाता है कि आज भी वो खजाना कहीं सुरक्षित उस नागिन की निगरानी में मौजूद है, जिसे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो खजाना नागलोक में मौजूद है। दोस्तों, जब हम इस कहानी की और गहराई तक गए तो वहाँ एक व्यक्ति ने हमें चौंका देने वाले रहस्य के बारे में बताया, जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जिसमें उस व्यक्ति ने कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाया और हमें वो बताया जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, जिसका जिक्र हम अपने अगले भाग में करेंगे। दोस्तों, यह वाक्य एक सच्ची घटना पर आधारित है। उस गाँव में आज भी ऐसे कई सारे प्रमाण मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ बहुत सारा खजाना आज भी मौजूद है, जिसकी रक्षा नागलोक के रक्षक या यक्षराज करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसके अगले भाग के बारे में जानना है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।